सब कुछ हो चुका है, सब नहा लिए, मैं नहा लिया, मम्मी नहा ली, पापा नहा लिए बस, और मैं उस बंदे का नाम नहीं लूंगा जो नहीं नहाया, तो हम सब नहा लिए, मम्मी पापा शीनू। हाँ आपको आना तो आ जाना, मशोबरा के स्टार्टिंग में ही है ये, हाँ मशोबरा ग्रीन नाम है इसका, पर बहुत ना नीचे की साइड है ये, मैं सोचना कि गंदा है या कुछ ऐसा है, एक झोपड़ी ओपड़ी से मिलेगी, मैंने ये सोचा था, पर ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा इलाका विलाका है, और हम बादलों के अंदर ही थे अभी थोड़ा टाइम पहले, और ये खा रहा है अपना खाना, टैमी दे दिया हमने, और बस एक ध्यान रखना है यहाँ पे फूड थोड़ा सा कॉस्टली है, बस इतना सही बोलना था, और अब मिलता हूँ डायरेक्ट गाड़ी में, निकलते हैं फटफट कसोल के लिए, 80 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से, अराउंड 3 से 4 घंटे लगेंगे हमें पहुँचने में, ड्राइविंग पर डिपेंड करता है, जिसको आती है पहाड़े पर चलानी वो पहुँचा देगा 2 घंटे में, पापा न्यू कमर है तो 3 घंटा, और किसी को पूरा बिगनिंग कर रहा होगा तो 4 घंटा, ऐसा सीन है, तो मिलता हूँ आपसे गाड़ी में। फाइनली हमारा सारा चेकआउट वेकआउट हो चुका है, सारा लगेज गाड़ी में पहुंच चुका है, ये रही अपनी गाड़ी की चाबी, अब चलते हैं, चलो ये रहे सब, पापा ये रहे, मम्मी ये रही, ये रिसेप्शन का काम कर रही है, और चलते हैं फटफट। अरे वैसे मैं पता नहीं चला ये अभी तक तो सर क्या बन रहा है, रिसेप्शन बन रहा नहीं बन रहा, पर हमारे हिसाब से रिसेप्शन बन रहा है, भी रखा या ऐसी गाड़ी चढ़ा रहे हैं तो ये तो फिर भी थोड़ा बहुत सीधा सीधा है, और एक तो पूरा ऊपर की तरफ आएगा, जो ऊपर की तरफ जाएगा, पापा बताओ इसमें क्या मुश्किल है ड्राइव क्या करने में, बेटा चढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, हाँ थोड़ा बताओ, गाड़ी इधर मुश्किल होती है, अनोन ड्राइवर तो आ ही नहीं सकता है, फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ पहाड़ों पर, वो भी ऐसे रास्तों पे, थोड़ा सा डर लगता है कि सामने से कोई आ गया अगर रुक गया कि गाड़ी रुक गई तो फिर सारी की सारी बैग जाएगी तो फिर वापस गाड़ी को ऊपर उठाने में प्रॉब्लम आती है। सामने से गाड़ी आ गई एकदम से, अब यहाँ पे इतनी छोटी सी एक ही सड़क है, यहाँ पे रास्ता वस्ता करने के लिए दोनों को, हाँ दोनों को देखना होता है कि कहाँ पे ज्यादा सड़क है थोड़ी सी, जो चढ़ाई वाला होता है उसकी प्रेफरेंस फर्स्ट होती है। हाँ देखो इतनी इतनी सी सड़क वस्ती है तो भाई पूरा आराम से रहो, जो जिसको आती है गाड़ी चलानी वही आओ सिर्फ पहाड़ों पे, और गाड़ी भी बहुत मायने रखती है, जैसे अगर आप छोटी छोटी कोई गाड़ी लेकर आ जाओगे तो वो उसके हॉर्स वायर वगैरह कम होते, तो फिर क्या पता वो ऊपर ना चढ़े, क्या पता कुछ हो जाए, क्या पता इतनी एकदम से चढ़ाई आ जाए कि वो उसका इंजन ऊपर ना खींच पाए गाड़ी को, तो गाड़ी भी सोच समझ के लानी पड़ती है पहाड़ पे। शिमला को क्रॉस करके अब जाएंगे सोलन, फिर सोलन को क्रॉस करके जाएंगे हम वहाँ पे कसोल, हाँ फिर वहाँ पे रुकेंगे, एक दिन का स्टे है, फिर उसके बाद जाएंगे दिल्ली की तरफ, बादल रखे हैं, बहुत ज्यादा बादल हो रखे हैं, कैमरे में आपको जितना दिख रहा होगा उसके 2-3 गुना है यहाँ पे, जो कि हमें आंखों से दिख रहे हैं। डेडिकेशन देखो तुम्हारे भाई की, यहाँ गेम चल रहा है और यहाँ रास्ते चल रहा है, मतलब क्या ही बोलू रे, अभी बस इतना ही बोला था। अरे भाई की बढ़ गई आईफोन की स्टोरेज, तो अब नहीं आएगा कुछ, अब डायरेक्ट मिलूंगा मैं 4:30 बजे के बाद, जब मेरा ब्लॉग आ जाएगा तब मैं ब्लॉग को डिलीट कर दूंगा, तब मिलूंगा, हाथ भी नहीं पहुंचा छोटी आई।